हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका। स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल गार्डनिंग विद सारिका में। फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न चल रहा है और इस टाइम पे फूलों की कमी हो जाती है गार्डन में, जहाँ कि विंटर के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती हैं फूलों की और विंटर के टाइम पे खूब सारे ढेरों फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, जबकि गर्मी के समय पर फ्लावरिंग हो भी नहीं पाती, कई सारे प्लांट्स में कम हो जाती है फ्लावरिंग। तो इस टाइम पे अगर आप इस प्लांट को लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में ये फूलों की कमी को पूरा कर देता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। ये आप देख सकते हैं, ये पर्सलैन का प्लांट है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। छोटी छोटी कटिंग से इसको आप ग्रो कर सकते हैं और अगर आप इसे थोड़ा ध्यान रखें अपने प्लांट्स का, तो पूरे साल भर ये आपके गार्डन में काफ़ी अच्छे से चल जाता है। इस प्लांट को आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं या फिर क्यारियों में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक कलर का मेरा पर्सलैन है। ये भी पर्सलुका की ही एक वैरायटी है और इसको कटिंग से हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और हम इसकी कैसे केयर कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी छोटी सी कटिंग ले ली है मैंने और इसकी कटिंग आप छोटी छोटी कोई सी भी कटिंग ले लेंगे और इसे लगा देंगे तो आपके पास दो चार कटिंग से ही ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये पिंक की मैंने कुछ कटिंग ले ली है यहाँ से, हेल्दी कटिंग सभी हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए, येलो कलर के कुछ पर्सलैन हैं मेरे पास, तो येलो कलर भी काफ़ी सुंदर लगता है और जब हम पिंक और येलो को मिक्स करके लगाएंगे और इनमें फ्लावरिंग होगी तो ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है। इसीलिए मैं आज इन दोनों की ही कटिंग एक साथ मिक्स करके लगाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर प्लांट है, अगर आपके गार्डन में नहीं है तो आप कहीं से ले सकते हैं, फ्री में मिल जाते हैं ये, नहीं तो नर्सरी तो है ही, वहाँ से तो आपको बहुत ही कम प्राइस में इसके प्लांट मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं छोटी छोटी कटिंग ले लूँगी येलो की। और आप देखिए, इसमें कुछ फ्लावरिंग हुई है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पर फ्लावर सूख जाते हैं, तो जहाँ पे फ्लावर सूख जाते हैं वहाँ की कटिंग भी आप ले सकते हैं या फिर वहाँ आप पिंच करके सूखे हुए फ्लावर्स ज़रूर हटाते जाइए। इससे क्या होगा कि नई ब्रांचेस आएंगी और वहाँ पर नई ग्रोथ भी बनने लग जाती है। और यहाँ पर मैं येलो की कटिंग भी ले लेती हूँ और आप देखिए, यहाँ पिंक और येलो दोनों की कटिंग मैंने ले ली है, साथ में यहाँ पे मैंने पर्सलुका की भी कुछ कटिंग ली है। और कटिंग के नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं इनको हमें निकाल देना है क्योंकि यहीं से नोड होती है और यहीं से रूटिंग स्टार्ट होगी। तो जितना एरिया मिट्टी में डालना है उतने एरिया की इस तरह से आपको पत्तियाँ निकाल देना है। ये देखिए, मैंने सारी कटिंग की निकाल दी हैं और यहाँ पर जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है तो इसमें सैंड है, सॉइल है और साथ में इसमें मैंने मिक्स किया है गोबर की खाद। इस बार मैंने इसमें गोबर की खाद यूज़ करी है तो इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप चाहे तो इसमें करके आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सॉइल भी बनती है और हमारा प्लांट हेल्दी होता है इसमें, इसलिए गोबर की खाद इसके लिए बेस्ट होती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी राख मिला सकते हैं पीएच लेवल को बराबर रखने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारी कटिंग्स को लगा ली है। कटिंग लगाने के बाद मिट्टी आप देख ही सकते हैं काफ़ी पोरस है और इसमें कटिंग लगाने के बाद आपको हल्के हाथों से दबा देना है इस तरह से, ताकि हमारी कटिंग्स जो हैं वो सेटल हो जाए मिट्टी में, ये देखिए इस तरह से। और अगर सूखे हुए फ्लावर हैं या बर्ड हैं तो आप चाहे तो उनको कट करके हटा सकते हैं ताकि कटिंग की जो एनर्जी है कटिंग के ग्रो होने में लगे। तो ये हमने कटिंग लगा ली यहाँ पर और कटिंग लगाने के बाद दूसरा काम है वाटरिंग करना। तो ये देखिए, वाटरिंग भी कर दी है। तो फ्रेंड्स, इसमें वैसे बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं तो फिर इसमें आप पानी दे दीजिए और वाटरिंग के बाद आप इसको शेडी एरिया में रख दीजिए 4-5 दिनों के लिए। अब यहाँ पर एक प्लांट देख सकते हैं, इस प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही कम हो गई है जबकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे फ्लावरिंग कम हो गई है। इसका रीज़न ये है कि फ्लावरिंग सारी इकट्ठे हो चुकी हैं, एनर्जी पूरी जा चुकी है सॉइल की, तो ये फर्टिलाइज़र थोड़ा सा अगर हम इसमें डाल दें, आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं
और इस तरह के जो वीड्स होते हैं, अगर वीड आपके प्लांट में उगाए हैं गमले में तो उनको ज़रूर हटाइए, नहीं तो ये आपके प्लांट की सारी एनर्जी को लेते रहेंगे और प्लांट में इसी तरह से फ्लावरिंग कम हो जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, जितने ही फ्लावर जो सूख गए हैं वहाँ से आप कटिंग को हटा दीजिए, कटिंग करके उनको फ्लावर्स को हटा दीजिए। और साथ ही अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपकी जितनी भी ब्रांचेस है आप उनको बेधड़क आप काट सकते हैं। आप चाहे तो अपने प्लांट को अच्छे से प्रून कर दीजिए। अच्छे से प्रून करने के बाद बहुत सारी ढेरों ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें नई नई कलियां बनेंगी। तो फ्रेंड्स, और अपने प्लांट को सनलाइट में ज़रूर रखिए। दूसरी बात कि आपके प्लांट में कई बार ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, जिसके कारण भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इन्हीं कुछ बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो आपके प्लांट्स में भी बहुत अच्छे से, आपके पर्सलेन पर्सुलुका के प्लांट्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लग जाएगी। तो ये देखिए, बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये छोटी सी कोशिश थी आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो बस फ्रेंड्स, बाय बाय।